ओए होए। खीर बह रही है, खीर वाइट। जय जवान भारत। चलो सर अब निकलो। ओके चलो सर अब निकलो। ओके तो गाइस, अब तक आपने देखा कि कैसे हम वादियों का आनंद लेते हुए और वाटर क्रॉसिंग्स को चीरते हुए सच पास आए। चलिए अब आगे का सफर शुरू करते हैं सच पास से किल्लाड़ का। सेम दिन मगर एक न्यू व्लॉग के साथ। और गाइस, जो आप अभी अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, इसको भूत ग्राउंड कहते हैं। कहा जाता है कि पहाड़ों के बीचों बीच इस वैली में ये दो बड़े बड़े पत्थर ऐसे हैं जो कि टाइम के साथ साथ अपने बीच का डिस्टेंस अपने आप ही उनका जो है बढ़ता जाता है, इंचेज में नहीं बल्कि मीटर्स में। तो गाइज, सच पास तक आते हुए मेरे GoPro की बैटरी हो गई थी बुरी तरह एग्जॉस्ट, और सिंगल बैटरी होने के कारण मैं सच पास से किल्लाड़ का रास्ता GoPro से नहीं कर पाया शूट, जिस वजह से मैंने बीच बीच में रुक के अपने आईफोन से शूट किया। और अब मैं थोड़ा थोड़ा आपको वॉइस ओवर दे रहा हूँ, बट मैं इस बात की गारंटी देता हूँ आपको कि 40 किलोमीटर का ये रास्ता ऑफ रोडिंग सीनरीज वाटर क्रॉसिंग में पिछले रास्ते से किसी भी मायने में कम नहीं था। भेड़ों को चराते हुए गडरिए, पत्थर के विशाल काय पहाड़ और बड़े बड़े झरने मानो किसी ना किसी टूरिस्ट का इंतजार ही कर रहे हैं। सच पास से किलाड़ के रास्ते पे आपको मैगी चाय वगैरह के लिए एक छोटा पिट स्टॉप मिल जाएगा आधे रास्ते के बाद, और एक ब्रेक लेने के बाद हम करीब करीब 3:30 बजे के आसपास पहुँचे किल्लाड़। भगत जी अपनी स्कूटी का पूरा फ़ायदा उठाते हुए फुल गद्दे पे बैठ के मस्ती में जा रहे थे। पांगी घाटी में आपका स्वागत है। तो गाइज, GoPro हो गया चार्ज मेरा, थोड़ा सा आपको मैं इसका बैकग्राउंड दे देता हूँ। पीपल जो भी सोच रहे हैं, जिनको ये स्ट्रेच करना है फ्रॉम सच पास टू किल्लाड़, मेरा रेकमेंडेशन है, बाकी आप लोगों की मर्जी है। आप आने का, मैं उसका आपको जो रीज़न है वो भी दूंगा, आप अपना आने का जो वे है वो वहीं से ही रखें। आप आए डलहौजी की तरफ से सच पास, उधर से चढ़ें और इधर से किल्लाड़ पे आप उतरें। तो गाइज, उसका रीज़न बड़ा सिंपल सा ये है कि अगर आप आते हैं डलहौजी की तरफ से और जो सबसे लास्ट स्टे पॉइंट है वो है बैरागढ़, बैरागढ़ से जो सच पास है जो हमने अपनी वीडियो में कैलकुलेट किया है, जो लास्ट व्लॉग में भी जो मैंने बताया था, अगर आपने वो नहीं देखा हो देख लेना, वो है 32 किलोमीटर। 32 किलोमीटर से में से आपको 7 से 8 किलोमीटर के आसपास आपको अच्छा रोड मिल जाता है। सो आपको ऑफ रोड का और हाइक का जो पैच है वो लगभग होता है 25 किलोमीटर के आसपास। जबकि अगर आप आते हैं किल्लाड़ की तरफ से और आप प्लान करते हैं सच पास का टूर, सो ये आपको पड़ेगा 40 किलोमीटर एंड इट इज़ कम्प्लीटली ऑफ रोड। सो नाउ द चॉइस इज़ योर्स। अभी हम घूम रहे हैं पांगी विलेज किलाड़, और किलोमीटर क्लॉक हुआ 9584 पे हम पहुंच गए थे। किलाड़ पीछे बैठे, थोड़ी देर 10-15 मिनट आराम किया, बीच में पक्का रोड आया था लेकिन ये भाई पीछे भी बैठा था जो कि DRO में किसी लेवल पे है, तो वो बता रहा था यहीं पे कि उदयपुर यहाँ से 80 किलोमीटर है और उदयपुर तक का रास्ता ऐसा ही मिलेगा जिस रास्ते पर अभी हम चल रहे हैं। And we might take up to 3 hours to reach there. और अभी time हो रहा है 3:50, तो देखते हैं 7 बजे तक भी अगर पहुँचते हैं तो we will see कि सिसु रुकते हैं या मनाली रुकते हैं। Time भी कम हो गया, 7:25 थे पहुँचने का, 7:10 हो गया। एंड जब टाइम रिड्यूस हो रहा हो ना, समवट आई फील के ब्रेक ना लिया जाए, थोड़ा सा और पुश कर लें, 1.5 घंटे की तो बात है ब्रो। DRO स्लाइडिंग पॉइंट काम चल रहा है बहुत तेजी से, DRO वाले भाई सल्यूट है। भाई किल्लाड़ से उदयपुर की रोड को देख के तो मानो जैसे पूरे प्लान की धज्जियाँ सी उड़ती नज़र आ रही थी। भगत जी और मैं एक तरफ रुक के बात करने लगे और सोचने लगे कि पहले हमारा प्लान था कि हम टाइम से पहुंच के रोहतांग पास और बारालच्छा पास
या दोनों में से कोई भी एक करके सिसु में स्टे लेंगे। लेकिन हालात ये नज़र आ रहे थे कि सिसु के पहुंचने के भी लाले पड़ रहे थे। और मांगी घाटी में ऑफ रोडिंग के पैचेस के बीच बीच में आपको ऐसी साफ रोड भी देखने को मिलेगी। बट मेरी एक रिक्वेस्ट है गाइस के जो भी इस रूट पे जाता है, जो भी इस एडवेंचर को देखने जाता है, इस एडवेंचर को करने जाता है, प्लीज़ गाइस इट्स अ रिक्वेस्ट, अपने व्हीकल को अंडर कंट्रोल ही रखें। क्योंकि ऐसी रोड देखते ही मन होता है कि हम अपने जो भी व्हीकल है हमारा, हम उसको ओवररव करें, भगाएं। लेकिन जो राइट साइड पे आप देख रहे हो जगह, ये पूरी नीचे घाटी है, पूरी खाई है ये। तो इन शॉर्ट गलती का कोई यू टर्न नहीं है। व्यू देखो यार, क्या व्यू है। और भाई टफ तो है यार ये, सच पास इज नॉट इजी। लाड़ किश्तवाड़ रूट ट्राई एंड सी के आप दो लोग कम से कम साथ ही जाओ और आसपास ही रहो। रास्ता आप अभी देख रहे हैं, रास्ता जब हम सच पात से किल्लाड़ की तरफ आ रहे होते हैं तो लास्ट के 7 किलोमीटर्स में आपको अच्छा रास्ता मिलता है। अच्छा मतलब प्रॉपर पक्का बना हुआ टारमैक। और उसके बाद जब आप किल्लाड़ के बोर्ड पे पहुंचते हैं, ये जिसकी मैं फोटो डाल रहा हूँ, जैसे ही आपको ये दिखता है, अब इसके बाद उदयपुर तक का रास्ता ऐसा है जैसे हम अभी जा रहे हैं जिसपे। और उदयपुर यहाँ से करीब 80 किलोमीटर है। और भाई ये देखो, सामने देखो चट्टाने। तो उदयपुर मैं बता रहा था यहाँ से 80 किलोमीटर है। बीच बीच में कुछ एक पैच ठीक मिलेंगे 5 किलोमीटर के 4 किलोमीटर के। मेजरली सारा रास्ता ऐसा ही है। सो दूसरा गियर और लगभग 30 की स्पीड इज़ व्हाट आई कैन फॉलो, नॉट आई हैव टू, बट मैं वो देख रहा हूँ जो मेरी बाइक ठीक से कर पा रही है। भगत जी आए हैं। गाइस पानी है असली में ना बहुत गहरा है यार। It is here. You see? Clash हो गया भाई, clash. आमना सामना बस और ट्रक का, और ट्रक पीछे लेता हुआ। अच्छा ओ भाई, हम तो गए बच, और यहाँ लगेगा मेला अब, बिकॉज ट्रक रिवर्स ले रहा है पर उसके पास कोई जगह ही नहीं है काटने की। एंड यू सी द व्यू,
थोड़ा सा पीछे ही रोक लेना, आगे थोड़ा सा ना जाम लग रहा है, बस और ट्रक आमने सामने है, ट्रक वाले को जगह नहीं मिल रही। हाँ जी ओहो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, लेट मी गिव यू ए क्लियर ग्लिम्स ऑफ दिस ब्यूटी, माइंड ब्लोइंग यार भाई, सी द कलर, हाउ ब्यूटीफुल इज दिस, सी माय गॉश भाई, मैं ऑनेस्टली बताऊं रास्ते का पेन तो माइंड में ही नहीं आ रहा यार, सी माइंड ब्लोइंग, कितना प्यारा है यार, कितना प्यारा है व्यू, देखो भाई जो सच पास करके किल्लाड़ की तरफ से आना चाहते हैं तो व्यू तो मिलेगा पर एडवेंचर भी पूरा पूरा है, सो बी प्रिपेयर्ड मेंटली एंड फिजिकली। भाई हॉल देख रहे हो यहाँ का, एक तो जंगल, गूज़बम्स आ रहे हैं कसम से, और ऊपर से ऑफ रोडिंग, और ऑफ रोडिंग भी हल्की फुल्की नहीं है भाई, 20 से ऊपर चला के दिखा दो। ओह बहुत ज्यादा हो गया आज, बहुत ज्यादा, एक्सपीरियंस ठीक है, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, बट ऑनेस्टली मतलब अब ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई बस बहुत हो गया, आप रोड आ जानी चाहिए, कूले भी जवाब दे रहे हैं अब, बट आई थिंक कूले का दर्द बीच बीच में जब मैं खड़ा होकर सैडलिंग कर रहा हूँ तब भी ठीक हो रहा है, और एक नाइट की स्लीप के बाद तो आई एम श्योर ठीक हो ही जाएगा। कल भी जब हम लोग पहुँचे थे तिसा, बॉडी की हालत उस टाइम पर भी ऐसी ही थी, बट आज सुबह बिल्कुल फ्रेश, और यहाँ से जब जाएंगे तो मेमोरीज क्रिएट होंगी विच यू विल चेरिश फॉरएवर। ये देखो डाउनहिल अपहिल, व्हाट टू डू व्हाट नॉट, रास्ता नैरो भाई, सब कुछ है यहाँ पे। अच्छा एक और अपडेट गाइस, के किलाड़ से जो किश्तवाड़ का रास्ता है जो टफ है, जो ये जाना जाता है कि काफ़ी मुश्किल रास्ता है, वहाँ पे बड़ी तेज़ी से काम चल रहा है, और अगले एक साल में अभी भी वो 60% रोड जो है वो प्रॉपर एक हाईवे जैसा बन चुका है, सो इफ इन बिकॉज वो दो स्टेट को करता है कनेक्ट, तो BRO का ही जो बंदा था उससे ही अपडेट मिला मेरे को, अगले एक साल के अंदर इट विल बी कम्प्लीटेड सून, तो अगर कोई करना चाह रहा है किल्लाड़ टू किश्तवाड़, ऑफ रोड वाला जो पुराना रास्ता था डेंजरस था, अभी भी उसमें 40 किलोमीटर का वो बता रहा था पैच है जो कि ऑफ रोड पड़ा है, वहाँ पर काम चल रहा है, सो यू कैन थिंक एंड डिसाइड। जब हमने उतराई शुरू की है फ्रॉम सच पास टू किल्लाड़, तो वो एक्सपेक्टेड नहीं था कि पूरे का पूरा इतना ख़राब होगा, और फिर आगे उदयपुर का, तो वरना इधर से नहीं आते उधर से ही निकल जाते, बिकॉज यहाँ से आने का प्लान ही ये था कि भाई बारालाचा या रोहतांग करके और सिसु या मनाली में स्टे लेके कल सुबह निकल जाएंगे दिल्ली के लिए, लेकिन अभी तो मनाली पहुंचने के ही लाले पड़े हुए हैं। इट्स ऑलरेडी 5:07 एंड वी गोना टेक 2 hours टिल उदयपुर, 2 hours 20 minutes rather विदाउट एनी ब्रेक, तो देखते हैं, पर कोशिश तो मेरी यही रहेगी कि सिसु में ही रुका जाए, बट देखते हैं अभी क्या मालिक की मौज है।
पार्टी इज नॉट ओवर येट गाइस एंड हियर वी आर टू अनदर वाटर क्रॉसिंग व्हिच इज सीम्स टू बी डिफिकल्ट. It is, and I can do it. बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया. थोड़ी देर के लिए भी ऐसी रोड मिलती है ना, सुकून सुकून आ जाता है यार, सुकून. गाड़ी को भी और खुद को भी. फाइनली गाइज, टाइम हो चुका है 11 o'clock. 5-7 मिनट हुए हमने होटल में चेक इन किया. इट वॉज अ लॉन्ग एंड टायरिंग जर्नी भाई. चलो मैं आगे आपको वॉइस ओवर में बताता हूँ या करता हूँ. मैं पहले कुछ खा पी लूँ, नहा लूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ. तो गाइज, सचपास के लिए मेरा एक रिकमेंडेशन है कि लेट इवनिंग में ट्रैवलिंग करना अवॉइड करें. अगर आपको लगता है थोड़ा भी लेट आफ्टरनून टाइप है, जस्ट अवॉइड इट फॉर दैट पर्टिकुलर डे. आप कहीं पे भी उससे पहले स्टे लें और अगले दिन अर्ली मॉर्निंग ही वहाँ के लिए आप जो है स्टार्ट करें. बिकॉज उस रूट पे, जैसे कि आपने पिछले व्लॉग में भी देखा है, जिन्होंने नहीं देखा वो जाके देख लेना, कुछ भी नहीं है, नॉट इवन ए हाउस. कोई वहाँ पे लोकल्स का भी कुछ नहीं है. एक सिर्फ आपको टपरी सी मिलती है जहाँ पे मैगी चाय खा सकते हो, और वो उतनी छोटी है कि वो अपना ही वहाँ पे करते हैं. कैंप वैम्प वो वैसा कुछ भी नहीं है. सो इसीलिए लेट आफ्टरनून और इवनिंग जब हो तो आप अवॉइड करें. पहले तो वहाँ पे जो चेक पोस्ट बना हुआ है वही आपको नहीं जाने देंगे. बट इफ़ एट ऑल यू कन्विंस और आप उनको बोलो कि भाई ठीक है मैंने वापस आना है, या अगर आपको लगता है 1 या 2 बजे के आसपास भी आप कर रहे हैं स्टार्ट जो है कि बैरागढ़ से, जस्ट अवॉइड इट. इसके मैं दो आपको बताऊंगा स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं. एक ये जो कि मेस्मराइजिंग ब्यूटी जो आपने मेरे ब्लॉग्स में देखी, आप उसको मिस कर देंगे बिकॉज जब तक आप पहुंचेंगे या उतरेंगे बहुत ज़्यादा लेट इवनिंग हो जाएगा. और जो बल्कि वाटरफॉल्स होते हैं वो भी जो है कि सनसेट के बाद उनका जो फ्लो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है. सो वहाँ पर आपको जो है दिक्कत आ सकती है. और किसी भी वजह से अगर आप स्टक हो जाते हैं फॉर एनी ऑड रीज़न, तो वहाँ पर कुछ भी नहीं है. अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन. ये क्योंकि एक ऐसा ट्रैक है जहाँ पे आपको दूसरा राइडर डे टाइम में भी बहुत ही मुश्किल से देखने को मिलता है. बहुत ही लीस्ट आपको वहाँ पे व्हीकल्स आते जाते दिखेंगे. तो इवनिंग की तो फिर आप जो है बात ही छोड़ दो. और सचपास को विज़िट करने का जो बेस्ट टाइम है वो जून से लेकर सेप्टेम्बर के बीच का रहता है. बाकी ये डिपेंड करता है ईयर टू ईयर कि किस साल कितनी ज़्यादा स्नो पड़ी है और किस टाइम पे वो खुलता है जून में, और वो लास्ट कितने टाइम पे बंद हो रहा है. सो जब भी आप जाएं तो रियल टाइम पे एक उसका स्टेटस चेक हमेशा कर लें. बट एक रफली आइडिया मैंने आपको बताया, ये लगभग जून से जो है सितंबर के बीच में खुला होता है. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग गाइस, के अगेन ये मेरा ओपिनियन है, अगर किसी को रिकॉर्ड बनाने हैं दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट मेरे हिसाब से सचपास को सोलो अटेम्प्ट ना करें तो अच्छा रहेगा. आपके साथ कोई भी मिनिमम एक राइडर अगर और हो तो बहुत ही अच्छी बात है. बाकी इसके अलावा गाइस, होंडा हाइनेस की परफॉर्मेंस जस्ट आउटस्टैंडिंग है विद नो डाउट. पहले दिन हमने जब इसको 660 किलोमीटर पर राइड किया, सो एक मेरा फ्रेंड है जिनकी बुलेट की वर्कशॉप है, एंड ही वॉज ऑल्सो कीन टू नो के पहले सिंगल डे में जब आपने 660 किलोमीटर इसको रन किया, सो एट द एंड ऑफ द डे जो बाइक का बिहेवियर है वो कैसा था. और भाई इसके ऊपर आपके भाई का जवाब था कि बाइक बहुत खुश थी कि मैं घूमने आई हूँ. तो इस व्लॉग के लिए गाइस इतना ही था. मैं इसको यहीं पे एंड करता हूँ, और अगला व्लॉग बहुत इंपॉर्टेंट है, डू नॉट मिस दैट.